भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा राष्ट्रीय किसान महासंघ के आह्वान पर 1 जून से लेकर 10 जून तक किया जा रहा हड़ताल का कार्यक्रम अब भी जारी है। तहसील गुन्नौर के गांव में भ्रमण हेतु ग्राम भागनगर से बाइक यात्रा प्रारंभ करके जो धनारी से बबराला, बबराला से गुन्नौर, गुन्नौर से ईसमपुर, ईसमपुर से असदपुर होते हुए दफ्तरा होते हुए जुनावई तक चलेगी और ये क्रम जारी रहेगा। इस दौरान दूध, फल, सब्जी आदि सभी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से मुरादाबाद मंडल उपाध्यक्ष महाराज सिंह यादव ने कहा कि किसान, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और शोषित व्यक्ति सभी लोग एक साथ हैं और सरकार का विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज पूरे देश में चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, घटतौली, जालसाजी, धोखाधड़ी, श्रम शोषण, जातीय आदि मामलों पर चल रहा विचार अब किसान और गरीब व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था में भी फेल दिखाई दे रही है। संबल से सत्येंद्र की रिपोर्ट। मंत्री ने बना के बैठा लिया है क्या, किसानों का शोषण कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों ने 1 तारीख से 10 तारीख तक जो हड़ताल का कार्यक्रम चलाया है वो आम दम्बल विराज करने के लिए चलाया है। हम शहरों को दूध, फल, सब्जियां रोक रहे हैं। इसके साथ साथ हम बैंकों की लूट को भी रोकेंगे। बैंकों में खुलेआम परसेंट ली जा रही है, कौन नहीं जानता है। मित्रों, चकबंदी में कौन नहीं जानता है लूट हो रही है। बच्चा बच्चा जानता है, किसी अधिकारी से पूछो कैसा रिश्वत तो जा रही है। वरुण गांधी खुले मारे कहते हैं, जबकि सरकार के एमपी हैं वो कहते हैं कि सारे लोग भ्रष्ट हैं। जब तुम्हें किस बात की निधि चाहिए, किस बात का भत्ता चाहिए, किस बात की सुविधाएं चाहिए, जब तुम्हारे पास पहले से ऑलरेडी है। लेकिन मित्रों, ये गूंगी भैगी सरकारें ये सुनती रहे और बिचौ